नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. राइट द डेफिनेशन. लेट यू बी द universal set and a subset of U, then the complement of A, then the complement of A is the set of all elements of U which are not the elements of A. Complement of A is denoted by this. ठीक है, और ये होता है this is equal to x belongs to U and x does not belongs to A. ठीक है, example लेते हैं. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सपोज यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता है ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन यू बट नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, जो ए में नहीं होना चाहिए. ठीक है, ए में नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड दिस इज डिनोटेड एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, वो इसके इक्वल होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर यू है, लाइक यू इज इक्वल टू this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and a hai aapke paas 1 3 5 1 3 5 7 9, and you have to find, agar hume find karna hai a complement, to a complement kya hoga, all those values which are in u but not in a. तो वन जैसे है तो वन हम इंक्लूड ही करेंगे, थ्री नहीं लेंगे हम, फाइव नहीं लेंगे हम, सेवन नहीं लेंगे हम, नाइन नहीं लेंगे. अदर देन दिस हम सारी वैल्यूज ले लेंगे, टू फोर सिक्स एट एंड टेन. तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है. व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, अगर हमारे पास कोई सेट ए है, इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए. ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए में नहीं होना चाहिए. तो जैसे ये U था, यूनिवर्सल सेट है हमारा ये, इस यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है और ये है हमारा A. सो यूनिवर्सल सेट में जो वैल्यूज A की हैं उसको हम इग्नोर कर देंगे. तो हम 1 रिमूव कर दिया, हमने 3 रिमूव कर दिया, हमने 5 कर दिया, 7 कर दिया, 9 कर दिया, रिमेनिंग वैल्यूज को हमने यहाँ पे लिख दिया. तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में हमारी वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो U में है बट A में नहीं होनी चाहिए. तो 1 3 5 7 9 हम इग्नोर कर देंगे. नेक्स्ट, लेट यू इज इक्वल टू, दिस इज 1 2 3 4 5 6, ए जो है आपके पास दिस इज 2.3, बी है आपके पास बी इज इक्वल टू 3.4.5. ठीक, मुझे बताइए व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 2 यहाँ पे, इसको इग्नोर कर देंगे, 3 भी इसको भी इग्नोर कर देंगे, 1 4 5 6, तो ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज अ ए कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, एक बी कॉम्प्लीमेंट भी प्लीज मुझे बता दीजिए, व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट इन दिस केस. तो बी कितना था, 3 था, 4 था एंड 5 था, दिस इज 1 2 एंड 6. ठीक है, सो रिमेनिंग जो है आपका वो 1 2 6 रह गया. राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट यू इज अ यूनिवर्सल सेट. ओके सो यू इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and a is equal to this 1, 2, 3, 4. B is equal to this is 2, 4, 6, 8. C is equal to 3, 4, 5, 6. Find first is A complement, second is B complement, third is A union C complement, fourth is A union B complement, fifth is A complement complement, then sixth is B minus C complement. Okay, B minus C complement. First answer is this 5, 6, 7, 8, 9. This is the first answer. B is 1, 3, 5, 7, and 9. C is 7, 8, 9, 8, 9, 5, 7, 9. Next, A complement complement. So this is the answer. तो A complement complement क्या होगा? A complement अगर हम find करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? इसमें से values remove कर दीजिए. One हटा दीजिए, 2, 3 and 4. So ये complement कितना रह गया? This is 5, 6, 7, 8, 9. उसका भी complement find कर लीजिए. दोबारा इसका complement find करेंगे, तो इसमें से फिर ये वाली values remove कर देंगे. देखिए ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो ये जो वैल्यूज हैं इसको हम रिमूव कर देंगे. सो रिमेनिंग वैल्यूज आर 1, 2, 3, 4. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. ठीक है, सो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज ए यूनियन इक्वल टू यू. तो इसको एक बार वेन डायग्राम से भी हम देखते हैं इसका मतलब क्या है. सो ये हमारे पास कंप्लीट एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल ये ए है हमारे पास, दिस इज ए. ठीक है, तो ए ये है, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है. दिस इज ए. ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? ये अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो एक सॉरी ये अगर ए है देन दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, इफ दिस इज ए देन दिस वन इज ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट? आउटसाइड द सेट है. तो ए और इन दोनों को अगर हम एड यूनियन फाइंड कर देते हैं, इन दोनों का यूनियन हम फाइंड करते हैं, देन वी गॉट अ यूनिवर्सल सेट. हमारे पास कंप्लीट सेट मिल गया है ना. यूनिवर्सल क्या था? ये कंप्लीट था. ये अगर ए था तो इसके बाहर एक कॉम्प्लीमेंट है. इन दोनों का अगर आपने यूनियन फाइंड किया देन यू गेट कंप्लीट दिस वन. ठीक है, यू विल गेट दिस कंप्लीट दिस एंड दिस. सेकंड ए इंटरसेक्शन ए दिस, ये कितना आएगा? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी इसमें कॉमन पार्ट नहीं आएगा. थर्ड वन, थर्ड आ जाते हैं डी मॉर्गन्स लॉ. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन्स लॉ. तो डी मॉर्गन्स लॉ होता है कि अगर ए यूनियन बी आप फाइंड कर रहे हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया अगर आपने, देन दिस विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें दो प्रॉपर्टीज आएंगी. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन हो जाएगा एंड बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो एक फिर हम Venn diagram. This is a universal set.
दिस इज अ सेट ए एंड दिस इज सेट बी. देखिए हमारे पास टू सेट हैं, दिस इज ए, दिस वन इज बी. तो अगर हम ए यूनियन बी फाइंड कर रहे हैं, तो ए यूनियन बी का मतलब ये ए था, दिस कंप्लीट इज ए, बी क्या है, बी इज दिस. सो ए यूनियन बी का मतलब दिस प्लस दिस, यानी ये जो कंप्लीट शेडेड पोर्शन है, दिस रिप्रेजेंट द ए यूनियन बी. The complete shaded portion, the complete shaded portion shows the A union B. ठीक है, अब हम देखते हैं कि A complement intersection B complement जो है वो क्या होगा. तो ये हमने लिया this. This is A, this is B. तो A complement का मतलब outside A. है ना, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट. ठीक है, तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आउटसाइड है. ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने ये डिनोट कर दिया. बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब आउटसाइड बी, ये बी था, इसके आउटसाइड यानी ये बी. और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये भी है. अब थोड़ा सा ये आपको विजुलाइज करना होगा कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है. नाउ डी मॉर्गन्स लॉ इज, हमारे पास फिर था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आउटसाइड दिस, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब आउटसाइड बी. ए कॉम्प्लीमेंट ए के आउटसाइड, बी कॉम्प्लीमेंट बी के आउटसाइड. तो जो भी कॉमन रीजन आएगा ना, अगर आप थोड़ा सा भी इसको एनालाइज करते हैं, तो कॉमन रीजन जो आएगा that is only this. ठीक है, तो जो ये shaded portion है सिर्फ ये common होगा. और अगर हम यहां बात करें, ये तो a union b हो गया. अगर हम a union b का complement find करते हैं, a union b का complement, तो उसका मतलब है a union b के complement का मतलब है कि a union b बस नहीं होना चाहिए. A यूनियन B अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आउटसाइड. ये सब तो थोड़ा सा एनालाइज कीजिए. ये तो आपको क्लियर हो ही गया कि A यूनियन B है, तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट जो होगा दैट इज आउटसाइड दिस. सो A, ये तो क्लियर हो गया आपको, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, वो ये पार्ट डिनोट कर रहा है. और ये जो पार्ट है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, वो भी यही पार्ट डिनोट करेगा. देखिए A के आउटसाइड होना चाहिए, B के आउटसाइड होना चाहिए. तो जब A के आउटसाइड जा रहा है, तो ये पूरा पोर्शन तो एम्प्टी हो गया. ऐसे करते हैं, इसको पूरा फिल कर देते हैं, फिर बाद में रिमूव कर देंगे. ठीक है, अभी हमने इस कंप्लीट को शेड कर दिया. ठीक, ये भी शेडेड है, ये भी है. A कॉम्प्लीमेंट की हम बात करते हैं, तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, A के आउटसाइड वाला पोर्शन, यानी A के इनसाइड जो है वो कुछ भी नहीं रहेगा. A कॉम्प्लीमेंट का मतलब A के इनसाइड कुछ भी नहीं रहेगा, ये हटा दीजिए. उसके बाद B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. B कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये था, दिस इज B. B कॉम्प्लीमेंट का मतलब B में कुछ नहीं आना चाहिए, तो B में जो था उसको इरेज कर दीजिए, ये भी रिमूव कर दीजिए. अब ये सब रिमूव हो गया, बचा गया फिर ओनली आउटसाइड रीजन. तो ये जो आउटसाइड रीजन है वही दोनों में कॉमन पार्ट है. और A यूनियन B ये था, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया तो उसको रिमूव कर दिया, तो सिर्फ ये पार्ट बचा. यानी ये दोनों एग्जैक्टली सेम है. सो वी कैन से A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ये सबको समझ में आया, ये क्लियर है सबको. एक और ड्रॉ करके देखते हैं फिर. दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आउटसाइड है. दिस इज बी,
बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब आउटसाइड बी। अब अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द कॉमन पार्ट इन दिस, तो इनसाइड ए जो भी पार्ट है वो तो कॉमन नहीं हो सकता, इनसाइड बी जो पार्ट है वो भी कॉमन नहीं हो सकता, यानी ए एंड बी को छोड़ के जितना भी आउटसाइड पोर्शन होगा दैट विल बी द कॉमन। ए के आउटसाइड ये पोर्शन है, बी के आउटसाइड ये पोर्शन है, तो इट्स मीन ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ए बी रिमूव हो जाएगा, उसके अलावा जितना भी पोर्शन है दैट इज द कॉमन पार्ट। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स के टू लॉज होते हैं, एक ये हो गया और सेकेंड होता है आपका, सेकेंड होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये कितना आता है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा देन दैट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट उसका यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक बार देखते हैं इसको। This is A, this is B. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब कुछ इसमें शेड कर देते हैं। इसको भी हमने शेड कर दिया। ठीक है, हमने कंप्लीट यूनिवर्सल सेट को शेड किया, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ओके, अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, ये जो आपका शेडेड पोर्शन है, ठीक है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन पार्ट है। ठीक, अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, एक्सेप्ट दिस पार्ट, एक्सेप्ट दिस पार्ट का मतलब अगर हम इसको रेस कर देते हैं, तो इसके अलावा जो भी हमारा पार्ट है That is our answer. So A intersection B जो represent करेगा वो कर रहा है this complete. So this is A intersection B का complement. ठीक है, चलिए next करते हैं। हमारे पास एक set ये हो गया, next set we have this. ठीक, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, दिस वन इज ए, ठीक है, दिस इज बी, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आउटसाइड ए, आउटसाइड ए, ए के आउटसाइड, तो ये पूरा, ये कंप्लीट पार्ट, दिस पार्ट, ये कंप्लीट आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो रेड से हम डिनोट कर रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट को, ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया और प्लस ये भी तो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक, ये कंप्लीट ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद हम फाइंड करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब दिस इज बी, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आउटसाइड बी, सो डार्क कर देता हूं, तो ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन इज रिप्रेजेंटिंग ओनली बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये कंप्लीट आपका बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ये था ए कॉम्प्लीमेंट और ये था आपका बी कॉम्प्लीमेंट। अब वो कह रहे हैं इन दोनों का आप यूनियन फाइंड कर दीजिए, यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में क्या करते हैं, हमारी जो कॉमन वैल्यूज होती हैं, कॉमन वैल्यूज होती हैं वो सिंगल टाइम आती हैं और रिमेनिंग वैल्यूज हमारी एडअप हो जाती है। तो देखिए इसमें कॉमन वैल्यूज क्या आ रही है, ये जो डबल मार्क हो रहा है ये सब आपकी कॉमन वैल्यूज आ गई, प्लस इसको आप ऐड कर देंगे, तो ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन अगर हम ए यूनियन बी देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या हो जाएगा,
ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दीजिए, यानी इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, एक तो ये सब हो गया, ये जो यूनियन आएगा वो एक तो ये आ जाएगा क्योंकि ये आपका पार्ट है जो दोनों में, एक तो ये आ गया प्लस ये भी आ जाएगा यूनियन में क्योंकि ये ए में है, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट में, प्लस ये भी आ जाएगा, तो ये जितना हमारा पोर्शन शेड हो गया है दैट इज आवर आंसर, ये कंप्लीट शेडेड पोर्शन हमारा आंसर है, ठीक है। तो जो अनशेडेड नहीं है दैट वो हमारा आंसर नहीं होगा, तो इसका मतलब कंप्लीट शेड कंप्लीट पोर्शन आ गया एक्सेप्ट दिस पार्ट। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए यहाँ जो आंसर आया था दैट इज एक्सेप्ट दिस, ये कंप्लीट आ गया था, सो वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फिगर देखिए दोनों में सेम आ रही है, इन दोनों में ही देखिए सारा शेडेड है, ये सब शेडेड है, ठीक है, ये भी शेडेड था पहले, ये भी शेडेड था एक्सेप्ट दिस सेंटर पार्ट, और सेम यहां भी आ रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यहां भी होगी प्रोबेबिलिटी, दोनों में ये यूज होगी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड अगेन कॉम्प्लीमेंट, अगेन ए, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें देन यू विल गेट इट। नेक्स्ट अगर हमारे पास नल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया देन यूनिवर्सल, ठीक है। सिक्स्थ यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया पाई पाई नल सेट, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ए ही आएगा, वो हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन भी किया था, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट जब कुछ नहीं था तो कंप्लीट आ जाएगा, कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो कुछ भी नहीं है तो नल सेट आ गया। नेक्स्ट करते हैं फिर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट इज एन ए यूनियन बी, एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इस फॉर्मूले को वेन डायग्राम से हम समझ लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, नाउ एन ए का मतलब ये ए है, ये ए, ठीक है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, हमने इसमें बी ऐड कर दिया, ये बी ऐड कर दिया, तो बी में क्या था, एक तो यही पोर्शन था और प्लस ये भी पोर्शन था, तो हमने जब ये फाइंड किया एन ए प्लस एन बी तो वहां क्या हुआ, ये जो पार्ट था वो ए में भी था और फिर ये दोबारा ऐड हो गया, बट यूनियन में हम क्या करते हैं, हमारा जो कॉमन पार्ट होता है वी ऑलवेज राइट इट एज अ सिंगल टाइम, हम डबल नहीं लिखते हैं, बट हम जब इन दोनों को ऐड करें तो क्या कॉमन पार्ट दोबारा ऐड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यूनियन में क्या होता है, कॉमन दो बार तो नहीं आता, कॉमन सिंगल टाइम आता है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये टू टाइम्स आ रहा है, एक बार ये रेड के साथ भी आया था, एक बार ये पर्पल में भी आ रहा है, एक पार्ट हम हटा देंगे, देन वी विल गेट द एन ए यूनियन बी। तो हमने देख लिया कि यूनियन में हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि एन ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एंड एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो हम क्या कर रहे हैं, जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो कॉमन पार्ट है दैट इज एडेड टू टाइम्स, तो हमको रिमूव करना है एक सिंगल, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो वी हैव दिस आंसर। राइट अ क्वेश्चन, इफ एक्स एंड वाई, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट X union Y has 50 elements, X has 28 elements,
and y has 32 elements, how many elements does x intersection y have? ठीक है, इसके दो मेथड्स हैं सॉल्व करने के. वी विल डिस्कस बोथ द मेथड्स. देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय टू मेथड. फर्स्ट जो हमने अभी फॉर्मूला किया, रशाद बिल्कुल ठीक है आंसर. फर्स्ट जो हमने अभी फॉर्मूला किया है उससे करेंगे, सेकेंड हम करेंगे वेन डायग्राम से. ठीक है, तो आपको जो बेटर लगता है आप एग्जाम में उसको यूज करें. देखिए, टू सेट्स हैं आपके पास x एंड y, सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितने हैं? 28. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितने हैं? 32. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y कितने हैं? 50. वी हैव टू फाइंड x इंटरसेक्शन y. वी हैव टू फाइंड दिस. ठीक है, अब जो हमने फॉर्मूला किया था, प्लीज पुट दैट फॉर्मूला, दैट x यूनियन y, दिस इज इक्वल टू एन x प्लस एन y माइनस एन x इंटरसेक्शन y. ठीक है, एन x प्लस एन y माइनस एन x इंटरसेक्शन y. ठीक है युवराज, सिर्फ ये बताया था और ये मैंने एक्सप्लेन किया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसमें से क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम. अब देखिए, दिस इज सेट एक्स, दिस इज वाई. ये हमारा एक फर्स्ट मेथड हो गया. सेकंड हम देखते हैं वेन डायग्राम मेथड. आपको जो भी सुटेबल लगे यूज दैट मेथड. सो इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम रीजन को सिलेक्ट करते हैं. तो ये जो हमारा पार्ट है दिस वन, इसको हम कह रहे हैं ए. नेक्स्ट दिस पार्ट, इसको हम कहते हैं बी. एंड नेक्स्ट दिस पार्ट, दिस इज सी. ठीक है, तो ये जो रीजन है, ओनली दिस पार्ट, दिस वन, इसको हमने ए कहा है. ओनली दिस कॉमन इज बी एंड आउटर दिस सी. ठीक, अब हम देखते हैं क्या क्या हमें वैल्यूज हैं. उसने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन ए. तो एक्स यूनियन ए प्लस बी प्लस सी. तो यूनियन में हम क्या करते हैं, कॉमन पार्ट लेते हैं सिंगल टाइम, वो ले लिया, एंड रिमेनिंग पार्ट वो भी ले लिया. तो ये ठीक है, ए प्लस बी यूनियन है और यूनियन कितना गिवन था, 50. x has 28 एलिमेंट्स, ए प्लस बी, x यही है ना, x तो ये कंप्लीट है. तो ये कंप्लीट किया, ए प्लस बी, दिस इज 28. व्हाट इज 32? द बी प्लस सी. बी प्लस सी 32 है, बिल्कुल ठीक है. हाउ मेनी एलिमेंट्स डज दिस हैव? सो वी हैव टू फाइंड बी. देखिए, a प्लस बी हमारे पास, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन. ठीक, सो पुट a प्लस बी इज इक्वल टू 28 इन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए. तो कितना हो जाएगा, 28 प्लस c इज इक्वल टू 50. तो c कितना आ जाएगा आपके पास, ये 22, ये c आ गया. अब b प्लस c क्या था हमारे पास, 32. B plus what is C? C is 22 is equal to this 32. So B kitna aa jayega? B is equal to 10. So B humein find karna tha, we got the value of B is equal to 10. So aap likh denge ki number of elements in X intersection Y is equal to 10. Next is, in a school, there are 20 teachers who teach mathematics or physics. In these, how many teach physics? Please tell me the answer. Please dono methods se solve kijiye. ठीक है, मैं चाहूंगी आपको second method भी आ जाए. Answer is 12.
आंसर इज 12. चलिए नेक्स्ट इज इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट. आंसर इज 5. सबका आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. ट्राई दिस. इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल एंड आइदर एप्पल नॉर्थ ऑरेंज जूस. जब एग्जाम में कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आए सेट्स में, ड्रॉ द वेन डायग्राम, वहां से क्लियर हो जाएगा अगर फॉर्मूला आपको क्लियर नहीं हो. ठीक है, यहाँ 400 स्टूडेंट्स हैं, बट इसमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं हु आर टेकिंग नेदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस. ठीक है, एज पर द क्वेश्चन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, सो वी हैव टू फाइंड दोज स्टूडेंट्स. ठीक है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग नेदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस. तो देखते हैं हम कैसे करेंगे. 400 स्टूडेंट्स, ठीक है, 100 वाले स्टूडेंट आर टेकिंग एप्पल जूस, सो एन ए जो हो गया एप्पल दैट इज 100. 150 हैज टेकिंग ऑरेंज जूस, सो एन ओ जो हमने ले लिया दैट इज 150. 75 वाले लिस्टेड हैज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस. ठीक है, एप्पल भी है और ऑरेंज भी है, दोनों है. हैज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज, तो ये तो 75 आ गया. फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग, वो कह रहे हैं कि फाइंड कीजिए हु आर टेकिंग नदर एप्पल. एप्पल भी नहीं लेगा, ऑरेंज भी नहीं लेगा. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट होती है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग नदर एप्पल नॉर ऑरेंज, उसका मतलब ये ए कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होना चाहिए एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होना चाहिए. अब हमें ये फाइंड करना है. डी मॉर्गन्स लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड द आंसर. देखिए हमें ये फाइंड करना है, तो ये तो डायरेक्टली हमारे पास कोई फॉर्मूला आता नहीं है, बट वी नो दैट फ्रॉम द डी मॉर्गन्स लॉ दैट दिस इज ए यूनियन ओ कॉम्प्लीमेंट. देखिए हमें ये जो सेपरेटली फाइंड करना होता है ना, ये बहुत ज्यादा टफ होता है, ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता. अगर वो ये पूछ लेता है ए यूनियन ओ, ये भी नॉर्मली फाइंड करना ईजी नहीं है. इसलिए हम डी मॉर्गन्स अप्लाई करते हैं कि जब भी वो ये पूछ रहा है हमें, तो कन्वर्ट दैट क्वेश्चन इंटू दिस वन. इसको लिख दीजिए ए ओ दिस. ठीक है, तो ये यूज आया था डी मॉर्गन. तो याद रखिएगा कि सेपरेटली ऐसे फाइंड करना बहुत टफ है, सो अप्लाई द डी मॉर्गन्स. तो हमें ये चाहिए, तो पहले हम ए यूनियन फाइंड कर लेते हैं. ए यूनियन ओ कितना हो जाएगा, एन ए प्लस एन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ. तो ये कितना हो जाएगा, एन ए इज 100 प्लस 150 माइनस 75, तो कितना हो गया ये 250 माइनस 75, दिस इज 175. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एन ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट. ठीक, तो ये कॉम्प्लीमेंट कैसे, वेन डायग्राम से एक फॉर्मूला फॉर्म फाइंड कर लेते हैं. ये हमारे पास है एक सेट है, दिस इज ओ, दिस इज अनदर सेट ओ, दिस इज ए, दिस इज बी. ए यूनियन तो ये हो गया, ए यूनियन का कॉम्प्लीमेंट यानी इसके बाहर जो भी है, तो एन ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकते हैं, यूनिवर्सल में से यूनियन सब्रैक्ट कर दीजिए. यूनिवर्सल में से यूनियन सब्रैक्ट कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. यूनिवर्सल कितना था, दिस इज 400, ये यूनिवर्सल था. माइनस हमने लिखा नहीं कहीं, यहाँ लिख देते हैं यूनिवर्सल जो है दैट इज 400. इसमें से हम यूनियन फाइंड कर देते हैं 175, तो कितना आ जाएगा 225. ठीक है, सेम क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं वेन डायग्राम से. सो इन एग्जाम यू हैव द चॉइस, यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड. ठीक है, ये हमारे एप्पल जूस हो गया, ये ऑरेंज जूस हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ठीक, और इसको हम डी ले लेते.
400 बाद में देखते हैं. 100 as listed as taken apple juice, यानी a plus b जो है तो is equal to 100. 150 as taken orange juice, orange juice का मतलब b plus c is equal to 150. 75 as taken both apple and orange, यानी b जो है वो आ गया 75. Find how many students were taking neither apple nor orange, यानी we have to find this d. d हमें find करना होगा. अब d क्या हो जाएगा? a plus b plus c प्लस डी जो है दिस इज इक्वल टू 400. यहां से सारी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं. बी अगर 75 है, यहां से सी कितना आ जाएगा? 75. ठीक है, बी अगर 75 है, ए कितना आ जाएगा? 25. सो पुट इन दिस 25 प्लस 75 प्लस 75 प्लस डी इज इक्वल टू 400 एंड डी इज इक्वल टू 225. So you have both the methods, you can apply any of the method. In a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea. 50 at least one of the two drink. How many people like both coffee and tea? My answer is 19. Next is, in a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics , 12 had taken physics and 11 had taken chemistry, 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry, 3 had taken all the 3 searches find the number of students that have first is only chemistry, only mathematics, next third is
सो इट इज ओनली फिजिक्स. फोर्थ इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. But not mathematics. Fifth is mathematics and physics. But not chemistry. Only one of the subject. Seventh is इसमें आपके सारे concepts clear हो जाएंगे at least one of the three subject. Eighth is none of the subject. कॉमन पार्ट काफी बार आ रहे हैं. ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट एंड ए इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, बट इसमें सब रिमूव हो गया तो एक ये पार्ट ऐड करो. सो ए यूनियन बी यूनियन सी इज एन ए एन बी एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. दिस इज द फॉर्म. और वेन डायग्राम तो है ही आपके पास. प्लीज वेन डायग्राम बच्चे ट्राई कीजिएगा, उससे आपको थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा. First answer is 5. Okay. Second is 4. Third is 2. Fourth is 1. Fifth is 6. Sixth is 11. Seventh is 23. This is 2. ठीक है, माइनस कुछ भी नहीं है, माइनस नहीं है ये. ये मैं स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, बेस्ट है कि हम वेन डायग्राम से करें, बहुत सिंपल हो जाएगा उसमें. सो दिस इज ए, ये मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स है एंड केमिस्ट्री. ये केमिस्ट्री हो गया, इसको हम ए ले लेते हैं दिस पार्ट, ये हम बी ले लेते हैं, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस वन इज एफ. और सी को जो है हम लिख देते हैं दिस इज सी. ठीक है, ए बी सी डी ई और इसको हम लिख देते हैं जी. स्टार्ट करते हैं हमें क्या क्या गिवेन है. In a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics. Mathematics kya hai? A plus C plus D. So usne kya 15 had taken mathematics. 12 had taken physics. Physics kya tha? B plus C plus E. So physics kitna hai? 12. 11 had taken chemistry. Chemistry kitna hai? Ek second, aur kuch miss ho raha hai mera. सारे पार्ट हमने ले लिए तो इनको हटाते हैं पहले. दिस इज एम, दिस इज पी. ठीक है, दिस सी. तो ये हो गया, ये हो गया, ये पार्ट रह गया हमारा एफ, ये जी हो गया. ठीक है, सो अब सारे पार्ट्स आ गया. तो इसमें था कि फर्स्ट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, ए प्लस जी प्लस सी प्लस डी, ये मैथमेटिक्स है, सो दिस इज 15. नेक्स्ट टाइम आई 12 हैड टेकन फिजिक्स, फिजिक्स के बी प्लस जी प्लस सी
जो है ये आ गया फिजिक्स 12, वो कह रहे 11 है टेकिंग केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब सी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ, तो ये है 11। फिर वो कह रहे 5 है टेकिंग मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों क्यों कहा है, ये मैथ्स में भी है, ये मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों में है, यानी डी प्लस सी। डी प्लस सी जो है दैट इज 5। 9 है टेकिंग मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स फिजिक्स दोनों में कॉमन किया था, ये फिजिक्स है जी, ये मैथ्स था, मैथ्स एंड फिजिक्स ये जी प्लस सी। जी प्लस सी जो है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का मतलब 9। 4 है टेकिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये फिजिक्स हो गया केमिस्ट्री हो गया, 4 है टेकिंग बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो उसमें कौन सा रीजन आ रहा है, सी प्लस। सी प्लस की जो है फोर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सो दिस इज 4। नेक्स्ट आ रहा है 3 है टेकिंग ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, ये क्या है हमारे पास ऑल द 3 सब्जेक्ट्स सी है, सी केमिस्ट्री में भी है मैथ्स में भी फिजिक्स में, सी इज दिस। और भी कुछ है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैड ओनली केमिस्ट्री, वो हम फाइंड कर लेंगे फिर। सो सी इज 3, यहां से ई कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 1 है ना, सी यहां पुट करेंगे ई 1 आ जाएगा, सी 3 है यहां अगर हम पुट करेंगे जी कितना आ जाएगा 6, सी अगर यहाँ पुट करेंगे डी कितना आ जाएगा 2, यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, सी कितना है, सी इज 3, ठीक है हमारे पास ये ना सी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू 11। अच्छा जी हमने यहाँ पे ले लिया, जी उसको एच ले लेता हूँ, ठीक है सी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ 11 है, सी कितना है 3, ई कितना है 1, डी कितना है 2, एफ नहीं पता, F कितना आ जाएगा, ये हो गया 4 टू 6, 11 माइनस 6 5 आ गया, ठीक है तो यहाँ से हो गया सॉल्व। B प्लस G प्लस C प्लस E 12 था, B कितना आया हमारे पास, B नहीं आया अभी, G कितना आ गया था, G इज 6, C कितना आ गया था, C इज 3, E कितना आ गया था 1 इज इक्वल टू 12, तो B कितना आ गया 9 10 12 2 आ गया अभी। नेक्स्ट क्या है, ए प्लस जी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 15, तो ए नहीं पता हमें, जी आ गया था हमारा 6, सी आ गया था हमारा 3, डी आ गया था हमारा 2 इज इक्वल टू 15, तो ए जो है कितना हो जाएगा 639, 9 टू 11, सो 15 माइनस 11 इज 4, ये वैल्यूज आ गए हैं, ठीक है। एक एच रह जाएगा उसको हम लास्ट में फाइंड कर लेंगे। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या उसने पूछा था, फर्स्ट जो था, ठीक है फर्स्ट वॉज ओनली केमिस्ट्री, तो ओनली केमिस्ट्री क्या है, ये रहा केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में ओनली केमिस्ट्री क्या था, एफ, एफ कितना रहे 5, सो एफ इज इक्वल टू 5, मतलब एफ क्यों होगा, उसने कहा ना सिर्फ केमिस्ट्री, देखिए डी जो है वो मैथमेटिक्स में भी है, सी तो तीनों में, ई दोनों में, एफ ओनली है, सेकेंड सेकेंड है आपका ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स का मतलब ए, और ए कितना है, ए इज 4। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड था हमारा ओनली फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स में कौन है, सिर्फ फिजिक्स में कौन है, बी है, यहां देखिए बी है फिजिक्स में, बी इज 2। फोर्थ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट नॉट मैथ्स, फिजिक्स होना चाहिए केमिस्ट्री होनी चाहिए मैथ्स नहीं होनी चाहिए, तो फिजिक्स में ये है, फिजिक्स होना चाहिए केमिस्ट्री होना चाहिए बट मैथ्स नहीं होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, तो कौन सा ऐसा है जो फिजिक्स में है केमिस्ट्री में है बट मैथ्स में नहीं है, तो देखिए बीम तो केमिस्ट्री में नहीं है, सी मैथ्स में भी आ रहा है, जी केमिस्ट्री में नहीं है, तो ई रह गया, ई कितना आ जाएगा 1। फिफ्थ क्या है फिर, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए फिजिक्स होना चाहिए केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए, तो जी रह गया, ठीक है, सो जी इज इक्वल टू 6 आ गया। सेवन कितना है, सॉरी फोर्थ, ये फिफ्थ है ना, तो ये 6 है, 6 क्या है हमारा, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस एफ जो है दिस इज 11, ठीक है। सेवन देखते हैं, सेवन क्या था, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, कम से कम वन ऑफ द 3, ठीक है,
तो वन ऑफ द थ्री का मतलब कम से कम एक होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी ये सारे ए बी सी डी ई एफ सब, सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एफ प्लस जी, ठीक है सबको ऐड कर दें, कितना था ए इज फोर, फोर के बाद टू सिक्स, सिक्स के बाद थ्री नाइन, नाइन के बाद टू इलेवन, इलेवन के बाद ट्वेल्व, ट्वेल्व के बाद सेवनटीन, सेवनटीन के बाद सिक्स, ये हो गया ट्वेंटी थ्री। नेक्स्ट एट आ गया नन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी ये नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब हमें स्टार्टिंग में कुछ गिवन था 25 स्टूडेंट, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, ये सब कितना था 25, ठीक है, तो ये कितना आ गया, दिस इज 23 प्लस एच इज इक्वल टू 25, एच आ गया आपके पास 2, यहां से एच आ गया, दिस इज 2, क्लियर हुआ सबको? तो ऐसे क्वेश्चंस में बेटर है हम वेन डायग्राम यूज कर ले, अदरवाइज डायरेक्ट भी हो सकता है। क्लियर हुआ, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? सो आपका होमवर्क है कंप्लीट एनसीईआरटी कीजिए, ठीक है, प्लस एग्जाम्पल्स ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।